सूर्य ग्रहण 21 तारीख को 10:35 से प्रारंभ होगा और दिन में 2:05 तक सूर्य ग्रहण इस धरती पर पड़ेगा। अपन ये देखें कि सूर्य ग्रहण क्या है। सूर्य ग्रहण अपन ये देखें कि दो सूर्य और चंद्रमा जो कभी देखे ज्योतिष देव हैं, जैन दर्शन के अनुसार 5 प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं। इसमें एक सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, तारे होते हैं, नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, है ना। तो 5 प्रकार के नक्षत्र होते हैं और ये अपन देखें जैन दर्शन के अनुसार जो 1,40,000 योजन का जो मेरु है, जो मेरु जहां से नरक प्रारंभ होते हैं, उस नरक के वहां से मेरु प्रारंभ होता है और स्वर्ग के जहां से स्वर्ग मात्र एक बाल का अंतर रह जाता है स्वर्ग में उस मेरु की टॉप में, इतना बड़ा जो मेरु होता है। तो ये 5 प्रकार के ज्योतिष के देव सूर्य चंद्रमा तारे ग्रह नक्षत्र ये सभी एक साथ उस मेरु के चक्कर लगाते रहते हैं और जब चक्कर लगाते हैं तो अपन देखें वहीं पर राहु और केतु भी होते हैं, है ना। तो वह एक राहु एक केतु और ये सूर्य और चंद्रमा के पीछे एक राहु एक केतु, एक ने सूर्य को पकड़ रखा है, एक ने चंद्रमा को पकड़ रखा है और एक चंद्रमा के पीछे पीछे भागता है, एक सूर्य के पीछे पीछे भागता है ना। तो अपन देखें कि जब ये भागते हैं एक दूसरे के पीछे पीछे भागते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है जिसे आपकी भाषा में कहते हैं ओवरटेक। और जब ओवरटेक करते हैं तो अपन ये देखें कि जब कभी चाहे ट्रेन हो, चाहे बड़े ट्रक हो या बसें हो, जब एक बस और दूसरी बस को ओवरटेक करती है तो अपन देखते हैं कि एक क्षण ऐसा आता है कि वह एक बस दूसरी बस के ओट में छिप जाती है, है ना। कोई व्यक्ति एक तरफ से देख रहा हो तो दोनों बसों में से एक बस दिखाई देगी, है ना। ऐसे ही जब ओवरटेक गाड़ी होती है तो ऐसे ही जब सूर्य या चंद्रमा का मान लो एक गाड़ी चल रही है और उसके साथ जब वह राहु केतु भागते हैं पीछे पीछे और उनकी रफ्तार तेज हो जाती है, ओवरटेक करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि सूर्य चंद्रमा के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं और बिल्कुल उसको घेर लेते हैं, है ना। माने चंद्रमा ये सूर्य चल रहा है और पीछे से केतु आ गया, मान लो भाई केतु आया और ये चलते चलते ये आया और आते आते ये बिल्कुल आ गया, बिल्कुल पीछे एक हाथ पीछे जा रहा है एक हाथ आगे से निकल रहा है और ये स्थिति आ गई। अगर आपसे कहे बताओ मेरा हाथ दिखाई दे रहा है क्या पीछे वाला, तो आप ही नहीं दिखाई दे रहा है, है ना। ये स्थिति बन जाती है तो उसको कहते हैं ग्रहण, है ना। ग्रहण करते हैं कि एक सूर्य के सामने दूसरा केतु आ गया और उसको ढक लिया। और अब देखें कि केतु की जो गोलाई है वो सूर्य से कुछ कम होती है, हल्की सी, है ना। इसलिए पूर्ण रूपेण सूर्य को वो ढक नहीं पाता। तो इसलिए अपन देखें जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है पूर्ण रूपेण तो उसकी चारों तरफ जो किनार है तो ऐसा लगता है इसको रिंग हो, रिंग तो ना बीच में पूरा काला दिखाई देता है और चारों तरफ से वो ना गोल्डन कलर का दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आकाश में कोई रिंग ही ना रखी हुई हो और धीरे धीरे जो है आगे निकल जाता है और फिर धीरे धीरे वो सूरज अब आपको दिखने लगता है, पेट्रोल दिखता है, फिर और ज्यादा दिखता है, फिर और ज्यादा दिखता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि पूरा सूरज दिखना चालू कर देते हैं। पर जो जिस समय केतु की उस पर छाया पड़ी, है ना, उसको कहते हैं ग्रहण। और जब ग्रहण पड़ता है तो अपन देखेंगे कि उस ग्रहण के क्या नुकसान क्या फायदे हैं। अब अपन देखें कि अपन मान लो कि भारत की चर्चा करें तो भारत में अपन देखें 1,40,000,000 लोगों की लगभग जनसंख्या है अपने भारत में। और भारत में अपन देखें
एक एक अक्षर के नाम है ना, जैसे राम राशि वही है, राम रावण रावण राशि वही है ना, कृष्ण और कंस दोनों की राशि एक है ना। अब इसमें देखेंगे पर राशि एक सी है। अब आप कहेंगे किसी के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, किसी पर बुरा असर पड़ेगा। आप सोचेंगे सभी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा तो भी ये गलत बात है। आप कहें कि सभी के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा तो ये भी गलत बात है ना। तो अपन देखें जिसका जैन दर्शन के अनुसार चलेंगे अपन, कि जैन दर्शन कहता है कि जिसका कुछ कर्म का उदय चल रहा है और किसी का पुण्य का उदय चल रहा है, तो पुण्य का उदय जिसका चल रहा है उसको वह सूर्य ग्रहण फायदा भी करवा देगा, और जिसका कुछ पाप कर्म का उदय चल रहा है वो ऑलरेडी पहले से ही परेशान है, पहले से ही दुखी है ना, तो उस व्यक्ति के लिए सूर्य ग्रहण क्या कर सकता है, हानि भी करा सकता है ना। तो ये स्थिति है। तो अब अपन ये देखें, अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारा समय अच्छा चल रहा है खराब चल रहा है ना। इसीलिए हम दोनों को ही सतर्क रहने की आवश्यकता है ना, क्योंकि यदि हमारा समय अच्छा चल रहा है तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और हमारा समय खराब चल रहा है तो हमारी सेफ्टी हो जाएगी ना। तो सूर्य ग्रहण में वैसे अपन देखें जैन दर्शन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करता है, ज्यादा उसको तवज्जो नहीं देता है ना, मगर फिर भी सूर्य ग्रहण के बारे में या चंद्र ग्रहण हो सूर्य ग्रहण हो इनके कुछ असर देखने में मिलते हैं ना। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो बोले कि हिंदू दर्शन में कहते हैं मंदिर बंद कर दो ग्रहण के समय में है ना, और जैसे अभी अपन देखें कोरोना काल में मंदिर बंद थे है ना, तैसे बोले मंदिर बंद कर दो, मंदिर में कोई दर्शन करने नहीं जाएगा है ना, भगवान किसी को दर्शन नहीं देंगे ना, जब जितने समय का सूर्य ग्रहण है भैया उनका 10 बजे से है, कितने बजे तक है 2:05 तक है, तो 10 बजे से लेकर के 2:05 तक गेट बंद मंदिर, और जब मंदिर खुलेगा थोड़े पहले मंदिर की धुलाई होगी है ना, उसकी सफाई होगी फिर लोग दर्शन करेंगे। अब अपन ये देखें कि भगवान को क्या असर है। जैन दर्शन कहता है कि भगवान तो भगवान है, अब भगवान का जो बताओ जब 8 प्रकार के जो टोटल कर्म होते हैं और 8 प्रकार के कर्मों की जो संतान होती है, जैसे अपन देखें कि 5 पांडव थे ना, वो पांडु के पुत्र थे, और एक तरफ अपन देखें धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे है ना, और 100 पुत्र थे तो अपन ये देखेंगे एक तरफ 5 पुत्र एक तरफ 100 पुत्र है ना, पर जीत किसकी हुई, पांडवों की हुई है ना, पांडवों की हुई क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण थे है ना। तो अपन और लोग श्री कृष्ण भगवान मानते हैं, तो जिनके भगवान है उनके लिए उनकी हार नहीं हो पाई, 100 मिलकर के भी उनकी हार को जीत में नहीं बदल सके है ना। तो इस प्रकार से अपन देखें जहां बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्मपितामह थे, द्रोणाचार्य थे आदि आदि सब लोग थे है ना, बड़े बड़े योद्धा इनकी साइड थे कौरवों की तरफ, और श्री कृष्ण थे। तो अपन ये देखें कि ईश्वर को किसकी आवश्यकता है, ईश्वर को किसका डर है। इतनी बड़ी महाभारत हुई और श्री कृष्ण वहां से अपना सारथी बनकर के रथ को चलाते रहे और महाभारत को आगे बढ़ाने में है ना सलाह देते रहे, तो क्या बताओ इतनी उसमें कोई एक बाण क्या उनको लग पाया है ना, नहीं लग पाया, कभी वो लोग कहते भगवान थे वो तो उनको कौन मार सकता है ना। तो ये बताओ जब श्री कृष्ण को अपन भगवान कह रहे हैं और उनको महाभारत में कोई उनको अगर कोई बात भागा नहीं कर पाया, तो क्या बताओ सूर्य ग्रहण क्या भगवान कुछ बिगाड़ सकता है, नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि हम लोगों का बिगाड़ सकता है। तो हम लोगों की रक्षा कौन करेगा, हम लोग किसी शरण में जाए है ना। तो जैन दर्शन कहता है कि सूर्य ग्रहण हो तो कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, अपितु इस काल में खूब मंत्र की जाप करो, खूब स्वाध्याय करो, मंदिर अगर मंदिर है तो मंदिर में बैठो, भगवान के दर्शन करो है ना, भगवान को लगते रहो, देखते रहो, मंत्र पढ़ते रहो है ना, इससे पुण्य मिलेगा और आपकी सुरक्षा होगी, आपकी रक्षा होगी, आप सेफ रहेंगे है ना। पर ये जैन दर्शन कहता है, तो अपन ये देखें
हिंदू दर्शन कहता है बच के रहो। अब बताओ जब भगवान ही सेफ नहीं रहेंगे तो फिर हमारी रक्षा कौन रहेगा? इसलिए हम देखें, हाँ कुछ इफेक्ट देखे गए, महसूस किए गए, है ना। अपन देखें कुछ कुछ सावधानियां रखी गई कि उस ग्रहण के समय पे हमें भोजन नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण के समय में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय में हमें चाकू से कोई भी वस्तु, अच्छा सब्जी बनाना हो, फल बनाना हो, तो उस समय जितने समय से लेकर सूर्य ग्रहण है उतने समय में हमें कोई ऐसी पैनी चीज, चाहे सुई धागा हो या कैंची हो या चाकू हो जिनसे अपना घात हो सकता है, ऐसे उन इंस्ट्रूमेंट्स का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। ना उतनी कम से कम नहीं तो सूर्य ग्रहण के आधा एक घंटे पहले से और एक घंटे बाद तक, है ना। ऐसे ही भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए कम से कम आधा एक घंटे पहले से और आधा एक घंटे बाद तक, है ना। उस समय हम खाने पीने से बचें, है ना। अब आप खाएंगे पिएंगे नहीं, क्या भूखे मरेंगे? अरे भैया दो चार छह घंटे में कौन से भूखे मर जाओगे, पहले खा लो, है ना। दस बजे के उस दिन दस बजे के पहले खा लो और उसके बाद दो ढाई बजे के बाद खा लेना, है ना। और ताजा खाना, ऐसा नहीं कि अपन ने दस बजे के पहले बनाकर रख दिया है और सूर्य के बाद उसको खा रहे हो, तो इतना बनाओ, नाश्ता बनाना है तो नाश्ता इतना बना लो कि नाश्ता का नाश्ता कर लो वो खत्म हो जाए और दो तीन बजे के बाद भोजन तैयार करो, ताजा भोजन खाओ, है ना। तो उस समय बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, है ना, इसका ध्यान रखना चाहिए। और अपन देखेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण है कितने सालों कितने शतक के बाद, है ना, पड़ने वाला है और कितनी चीजें, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं। एक तो अपन ये देखें कि हमेशा सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ता है, हाँ, और जब पूर्णिमा है, पूर्णिमा का दिन है। और दूसरी बात है कि इस बार सूर्य ग्रहण रविवार को पड़ रहा है, रविवार का दिन, तिथि पूर्णिमा और सूर्य ग्रहण, तीन चीजें मिल रही एक साथ, और तीन चीजें मिल रही है तो ये बहुत अच्छा योग है ना। ज्योतिष के अनुसार इस योग में हम बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में आध्यात्मिक शक्तियां घूमती रहती हैं, आध्यात्मिक शक्तियां चक्कर लगाती रहती हैं, और उन आध्यात्मिक शक्तियों से हम लोग अनजान हैं, हमें उसका ज्ञान नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ हमारा धर्म से कितना नाता है, सिर्फ हम लोग जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और पीछा छोड़ देते हैं, है ना। तो हमें ना धर्म की जानकारी है, ना हमें आत्मा की जानकारी है, ना हमें हमारा लक्ष्य क्या है, संसार में हम क्यों आए हैं, क्यों हमने जन्म लिया है ना, किस कैसे मरने के पहले हमें क्या चीज प्राप्त करना है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। हमें सिर्फ इतना ज्ञान है हमने जन्म लिया है। अगर युवा है तो कहते हैं हमें एमबीए करना है, सीए करना है, कोई कहता है आईपीएस करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिर्फ उनका इतना सा लक्ष्य बस, है ना। उसके बाद सारी जिंदगी पैसा कमाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं और अंत में मर जाते हैं, है ना, ये एक लाइफ है। पर जैन दर्शन कहता है, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, खाली इतनी सी लाइफ नहीं है, है ना। इस लाइफ में, है ना, जैसे हम सेव कैसे हो, जैसे आप पैसे को सेव करते हो, सेवन कर लो, या पैसे की, सोने की सेवन कर लो, चांदी की सेवन कर लो, क्यों बोले ये आगे काम आएगा, पर जिंदा रहोगे तभी तक काम आएगा, मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या क्या सोचा, क्या उसके बारे में विचार किया। इसलिए जैन दर्शन कहता है इस आयु में, इस जीवन में हमें अपने जीवन में व्यापार करो किसी ने मना नहीं किया, पढ़ाई करो किसी ने मना नहीं किया, मगर अध्यात्म की भी चिंता करो कि हमारी आत्मा नरक ना चली जाए, हमारी आत्मा तिरंज गति में ना चली जाए, हमारी आत्मा, क्यों चार गति है, तिरंज गति, ये अपन देखते हो कितने जानवर, कितने पक्षी, है ना, जिनको अपन देखें चाइना में किस पक्षी को छोड़ा जाता है, किस जानवर को छोड़ा जाता है, सबको पका करके खा जाते वो लोग, है ना, कितने कष्ट हैं। जंगलों में अपन देख लो, है ना, जो कौन सा डिस्कवरी जो आता है चैनल, और डिस्कवरी पर देखेंगे जंगल में कौन से है, सब जानवर एक दूसरे को खा जाते हैं, है ना, छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, कितना देखते हैं, है ना, कौन सेव है, कोई सेव नहीं है, ये कष्ट है तिरंज गति के। तो क्या बताओ, क्या तिरंज गति में कौन है,
आज आप किसी जीव को कष्ट में देख रहे हो, एक सुअर को देखिए आप, उस सुअर को बेचारे को एक तो वैसे ही गंदगी खाता है उस अपने जीवन में, उसके ऊपर से जो उनको पालते हैं वो उनके शरीर पर जो बाल निकलते हैं उन बाल को खींच खींच कर निकाल देते हैं, है ना, बताओ उनको खींच कर। मुर्गे हैं तो वो सेव नहीं है, उनको लोग मार के खा जाते हैं। मछलियां हैं तो वो सेव नहीं है, उनको लोग मार के खा जाते हैं, है ना। कितने कष्ट हैं, कितने कष्ट हैं इस जीवन में। तो क्या तिरंग गति में आप जाना चाहते हो, तो आपका तो मैं जानता हूं आपका उत्तर होगा कि नहीं, कौन जाना चाहता हो नरक, है ना, तिरंग गति में। तो आप तिरंग गति में नहीं जाना चाहते हो तो उसकी तैयारी आपको अभी से इस जीवन में करना पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगी वो रहस्य कि किन रहस्यों के वो कौन सी बातें हैं जिनके कारण से हमें तिरंग गति में जाना पड़ता है। वो चीजें आपको संतों के मुख से प्रवचन के रूप में, स्वाध्याय के रूप में बातें को सुनने को मिलती है। नरक गति कौन जाएगा? अब नरक गति ऐसा था या नहीं कि जो नरक में है वो नरक गति है, हम लोग नहीं जा सकते, अपन लोग भी जा सकते हैं, रास्ता वहां का अपन के लिए भी खुला है ना। तो अपन देखें, जब नरक गति जा सकते हैं तो नरक गति के लिए ऐसा कौन जाना चाहता है, वहां के कष्टों को कौन झेलना चाहता है? तो मैं मुझे मालूम है आप कहेंगे हमें नहीं जाना, है ना, तो नरक नहीं जाना है। तो उसके बारे में संतों से पूछो, ग्रंथों को पढ़ो कि हम ऐसे कौन से काम करें और कौन से काम ना करें कि हमें नरक ना जाना पड़े, है ना। ये अब दो गति बचती अच्छी, एक मनुष्य गति जिसमें हम हैं और एक देव गति जिसमें स्वर्ग है, है ना। तो इसलिए हम इस काल में कुछ ऐसे काल कर सकते हैं जिससे हम अपनी जीवन को सेव कर सकते हैं, है ना, आने वाली लाइफ को भी हम अच्छी बना सकते हैं, उसके लिए भी अपन अभी से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण जो पड़ने वाला है, उस सूर्य ग्रहण के दिन हमें क्या करना है, गर्भवती महिलाएं जो हैं उन्हें सूर्य ग्रहण के समय में बाहर नहीं निकलना चाहिए। कितना भी अर्जेंट हो, कितना भी जरूरी काम हो, कोई कितना ही खास बुलाए, पर आपको स्पष्ट मना कर देना है कि मैं इस समय में 10 बजे से चालू है तो 9 बजे से ही अपने आप को अपने सुरक्षित कमरे में पैक कर लो, जो भी बातचीत करना है वहीं से निपटा लो, है ना। और उसके साथ गर्भवती महिलाओं के लिए कहा गया कोई भी उस समय चाकू वाले काम, सुई वाले काम, कोई भी ऐसे काम ना करें, है ना, और उस समय ना खाएं, उस समय खाएं पिए भी ना, है ना, उनको भी सुरक्षा करनी है। और जो गर्भवती महिलाएं जिनके समय पूरा हो चुका है और डॉक्टर ने डेट दे दी है आपके लिए, जैसे मान लो 21 तारीख को, है ना, सूर्य ग्रहण है और कई महिलाओं को डॉक्टर ने डेट दे दी होगी क्योंकि सेवरल डिलीवरी रोज होती है, तो दे दी होगी कि आपकी डिलीवरी 21 तारीख को, क्योंकि डॉक्टर तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन बातों को नहीं मानते और आपको डेट दे दी है। तो 21 तारीख को अगर आपको डेट दे दी हो तो आप लोग उस डेट को स्वीकार ना करें कि डॉक्टर साहब 21 तारीख को ग्रहण है और हम उस दिन डिलीवरी नहीं करवाएंगे, है ना, क्योंकि अगर डिलीवरी करवाएंगे तो ग्रहण के दिन यदि कोई डिलीवरी होती है तो वो जीव या तो जिंदगी भर बीमार रहेगा या हो सकता है शरीर के कोई अंग भंग उसके बेकार निकलेंगे और या फिर वह जीवित नहीं रहेगा, है ना, वो बच्चा जीवित नहीं रहेगा। अगर जन्म दे भी दोगे तो हो सकता है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, है ना, उसकी आयु रह सकती है, बाकी उसके जीवन खतरे में है। तो क्या कौन मां चाहेगी ऐसा हो। इसलिए सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। अब उस दिन अगर करें तो 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक आप, इतना अच्छा समय है तो उस समय आप करें आराधना, उस समय करें आप जाप अनुष्ठान, उस समय आप करें प्रभु का भजन। अगर कोई गुरु है तो गुरु की संगति में आप पूरा समय निकाल सकते हो, उनके पास बैठ करके उनके मुख से प्रवचन सुन करके, ध्यान करके, साधना करके, तो इस समय तो ऐसे उस सूर्य ग्रहण के दिन हमें अपने जीवन की रक्षा करना है। और आपको एक मंत्र मैं बता रहा हूं जिसकी आप जाप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, है ना। वह जाप इस प्रकार से है, ना, बड़ी बात होती है, वह मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूं
वह मंत्र जिसे आप निरंतर जाप कर सकते हैं वो मंत्र इस प्रकार है, ओम आम ह्राम छ्वीम ओम ह्रीम, ओम आम ह्राम छ्वीम ओम ह्रीम। फिर सुन लो, ओम आम ह्राम छ्वीम ओम ह्रीम। इस मंत्र की आपको जाप करना है और ये सूर्य ग्रहण से आप इस मंत्र को जब चालू करें तो अब आप ये मत पूछना कितनी जाप करना है। अब 10 बजे से लेकर के सूर्य ग्रहण चालू हो रहा है और 2:15 तक चलेगा तो आपको पूरे समय करते रहो, क्या दिक्कत है? गिनती की नहीं आ सकता नहीं, आप पढ़ते रहो, बैठे बैठे पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है ना। और ये मंत्र आप इस दिन शुरू करें तो इस मंत्र को आप वंदना करें प्रतिदिन सूर्य ग्रहण से लेकर के, यदि आप एक एक माला इसकी आप प्रतिदिन फेरते रहे लगातार तो आप स्वयं बताएंगे कि आपके घर में आपको क्या फायदा हो रहा है। तो ये जो मंत्र है यह मंत्र आपको क्या कर सकता है, यह मंत्र जिससे सभी लोग आपके बस में होते हैं, चाहे शासन हो प्रशासन हो नेता हो मंत्री हो मुखिया हो, है ना, ना सास बहू में आप देख रहे हो कि सास बहू से दुखी है या बहू सास से दुखी है, है ना, तो वो भी आपके बस में होते हैं, है ना। यदि कोई व्यक्ति जहां बहुत झगड़ा होता है आपस में, वो एक दूसरे के लिए झगड़ा अगर नहीं चाहते हो तो इस मंत्र की जाप करें जिससे स्थितियां परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, है ना, इस बात का ध्यान रखें। तो ये सभी लोग कोरोना है, कोरोना से देखें अगर आप जाप करते हैं कि आप ये कोरोना हमारे अनुकूल हो जाए, हमारे बस में हो जाए और हमें नुकसान ना पहुंचाए, हमारे देश को नुकसान ना पहुंचाए, हमारे परिवार को नुकसान ना पहुंचाए, तो आप इस मंत्र की जाप करें जितनी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इतनी करो, मैं तो चाहता हूं कि आप पूरे दिन करो, मैं क्यों मना करूंगा, मगर कम से कम उस सूर्य ग्रहण के समय में आप इस जाप को निरंतर करें, निरंतर करें, पढ़ते रहें, गिनती ना भी गिने, माला हाथ में ना भी लें तो आप पढ़ते रहें बस, ओम आम ह्राम छ्वीम ओम ह्रीम, है ना, ये मत। तो इस बात का ध्यान रखें। तो अगर आपको कोई बात पूछनी भी है तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हो, है ना, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, है ना। इसलिए आप ध्यान रखें और जो काम आप मन में सोच रहे हैं कि उन कार्यों की सिद्धि कैसे हो, या आप कोई मंत्र की जप शुरू करना चाहते हैं, है ना, तो आप इस दिन से शुरू कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, है ना, हम क्योंकि हम चाहते हैं आपके अधरों पर हमेशा खुशी रहे, आपके अधर हमेशा मुस्कुराते रहे, आप परिवार आपका परिवार आप परिवार के साथ बैठ करके खिलखिलाते रहें, यही एक गुरु की सोच होती है और हम चाहते हैं आपका यह जीवन भी और आपका आगामी जीवन भी, है ना, अच्छा रहे, है ना, और आप हमेशा उस श्रेणी में जाएं जिस श्रेणी में राम हैं, हनुमान हैं, महावीर हैं।